नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, आईसीडीएस कार्यालय में एक बैठक जो है आयोजित की गई। यह खबर जो है बिहार की मुजफ्फरपुर से निकल कर आ रही है। दरअसल खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है सहायिकाओं की बैठक हुई है, और इस बैठक में जो है सीडीपीओ उपस्थित रही, जिसमें जो है आपको बता दें केंद्र संचालन में लापरवाही को लेकर जो है बातचीत हुई, और कहा गया कि संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, सेवका सेंटर को नियमित रूप से जो है समय पर खोलें और अपने दायित्वों का निर्वाह करें। केंद्रों के पोषण क्षेत्र के लाभार्थियों का सत्यापन, जो आधार कार्ड का सत्यापन, इसको सुनिश्चित किया जाए, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर कार्यालय में जमा करा दिए जाए। चलिए, मुजफ्फरपुर से हमने खबर जानी, अब चलिए दूसरी खबर जानते हैं। देखिए, पोषाहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, चूंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पोषाहार जनपदों में बन नहीं रहा, तो इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और अन्य जगहों से जो है पोषाहार सप्लाई किया जा रहा। अब ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि पोषाहार जनपदों में तैयार किया जाएगा, तो इसको लेकर हमने पहले ही आपको जानकारी शेयर की थी। अब जो है सभी जनपदों में पुष्टाहार प्लांट स्थापित हो रहे हैं, तो जब प्लांट स्थापित होंगे, टीएचआर प्लांट स्थापित हो रहे हैं, तो ऐसे में उनमें क्या होगा, प्लांट में निर्माण कार्य चलेगा। निर्माण कार्य चलेगा तो जो सूखा राशन है, पोषण आहार है, वो जनपद में ही बनेगा, और जिससे कि वितरण में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ के जलालाबाद से निकल कर आ रही है। यहाँ पर राजीव आजीविका मिशन के तहत समूह को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जलालाबाद क्षेत्र में टीएचआर प्लांट स्थापित किया जाएगा, और एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के सहयोग से स्थापित प्लांट को सरकार से 80 लाख रुपए का राशन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के सहयोग से लाखों रुपए की लागत से नगर पंचायत जलालाबाद के गाँव बौरेकी में टीएचआर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। एडीओ आईएसबी राजीव कुमार ने बताया कि टेक टू होम राशन प्लांट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पुष्टाहार जो है, आपको बता दें जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पौष्टिक आहार, दलिया, दाल आदि जो है एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह सदस्य जो है प्लांट में तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, दो तरीके के प्लांट के बारे में जिक्र किया जाता है। पहले सरकार ने एक बयान जारी किया था, उस बयान में कहा था कि हम पुष्टाहार यानी पंजीरी प्लांट ब्लॉक वाई लगवाएंगे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो पुष्टाहार के प्लांट लगाए जा रहे हैं उसमें भी सूखा राशन ही तैयार किया जाएगा। ऐसे में देखिए, अब एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भविष्य में भी पंजीरी की व्यवस्था सरकार हो सकता है ना लागू करे, क्योंकि जो ये राशन प्लांट लग रहे हैं यहाँ पर भी सूखा राशन निर्माण कार्य होगा। कई जनपदों में सूखा राशन प्लांट लग चुके हैं, जिसे टीएचआर प्लांट कहा जाता है। अगर आपके जनपद में टीएचआर का प्लांट लगा है तो कमेंट में अपने जनपद का नाम लिखें। देखिए, खबर है कि एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह जो है सदस्य प्लांट में तैयार करेंगे दाल हो गया, दलिया हो गया आदि जो पौष्टिक सूखा राशन है उसको। माँ अहिल्या प्रेरणा महिला माइक्रो एंटरप्राइजेज नाम से जो है संचालित प्लांट के लिए जो है सरकार की ओर से 80 लाख रुपए की धनराशि राशन सामग्री के लिए जो है उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषाहार निर्माण से जुड़ा प्लांट स्वयं सहायता समूह सदस्य जो है पौष्टिक आहार तैयार करने से लेकर धुलाई, पैकिंग आदि समस्त कार्य करेंगे। टीएचआर प्लांट में 24 घंटे कामकाज संचालित होगा। इससे देखिए, दो तीन तरीके के लाभ है। पहली बात तो सरकार गुणगान करेगी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, भले ही प्राइवेट सेक्टर में है। दूसरी बात यह, जनपद में पुष्टाहार बनेगा, सूखा राशन तैयार होगा, इससे खराब जो हो जाता है राशन, प्रकार के नए प्रकार की समस्याएं आती वो नहीं आएंगी। अभी आपको हमने कितनी खबरें बताई कि खराब राशन, गुणवत्ताहीन जो है राशन केंद्रों तक पहुंच रहा है, तो वो सब नहीं होगा। और तीसरी बात, यहाँ पर 24 घंटे जो है कार्य चलेगा, धुलाई पैकिंग सभी कार्य जो है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ वही करेंगी। तो ये खबर बड़ी है, और यही व्यवस्था जो है सभी जनपदों में लागू होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरठ अकेले में, कई जनपदों में शुरू हो भी चुके हैं प्लांट, कई जनपदों में बहुत ही जल्दी प्लांट जो है बनाए भी जाएंगे। जो है आईएसबी राजीव कुमार के अनुसार योजना को प्रभावी बनाने के लिए एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह को प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा। प्लांट स्थापना के लिए ब्लॉक के 50 स्वयं सहायता समूह से 30-30 हज़ार रुपये की धनराशि एकत्र कर ली गई है। देखिए, यह धनराशि स्वयं सहायता समूह से ली गई है, बाद में उनको लौटा दी जाएगी। जिन समूह से प्लांट स्थापना के लिए धनराशि सहयोग लिया गया है उन्हें प्लांट में काम करने की प्राथमिकता दी जाएगी। प्लांट के लाभांश का भी सहयोगी स्वयं सहायता समूह लाभ ले सकेंगे। संवाद, आंगनबाड़ी केंद्र टीएचआर से लेंगे जो है पोषाहार। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने टीएचआर प्लांट में तैयार पोषाहार केंद्रों के लिए जो है प्लांट से प्राप्त किया जाएगा। कितना पोषाहार उन्हें चाहिए इसकी पूर्व में जानकारी टीएचआर प्लांट जो व्यवस्थापक होंगे उसको उपलब्ध करानी होगी।
पीएचआर प्लांट की स्थापना से स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबन और आर्थिक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। फिलहाल एनआरएलएम प्लांट के लिए भवन जलालाबाद क्षेत्र में किराए पर लिया गया है, जल्द ही प्लांट का कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन, ये हालात है, प्लांट में सूखा राशन ही बनेगा। कुष्ठार को लेकर कोई खबर निकल कर नहीं आ रही, कुष्ठार का मतलब पंजीरी से जुड़ी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मित्र मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए पंजीरी कब वापसी होगी, क्योंकि सरकार जब आपको बता दें पहला शासन कर रही थी आप भाजपा की सरकार, दूसरा शासन कार्यकाल चल रहा है, पहले कार्यकाल में सरकार ने ऐलान किया था कि हम जो है बहुत ही जल्दी प्लांट स्थापित करेगी ब्लॉक वाइज, जहाँ पर पंजीरी का उत्पादन होगा और जनपद से ही जो है पंजीरी फिर से जो है बांटी जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, वर्तमान में सूखा राशन को ही प्राथमिकता दी जा रही है, टीएचआर के तौर पर जो है सूखा राशन दिया जाएगा और उसी को लेकर जो प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है अगर सरकार फिर से पंजीरी वगैरह देने लगी तो सरकार को नुकसान है, सरकार ने समझा इसकी जगह सूखा राशन दिया जाना चाहिए, तो सूखा राशन फिलहाल इन प्लांटों में जो है निर्माण कार्य किया जाएगा और जनपद से ही जो है सप्लाई किए जाएंगे, जहां पर अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है वहां पर ही बहुत जल्दी शुरू होगा। देखिए तीसरी एक खबर आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में देखिए अंबिकापुर से खबर है, यहां पर भी आंगनबाड़ी कर्मियों का बिगुल फूट चुका है। यूनियन का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच है, इसमें जो है आपको बता दें इस मंच के तत्वाधान में अंबिकापुर में जो है सरगुजा संभाग में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका एकजुट हुए हैं। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल आंदोलन किया गया, राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट ब्रांच के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। देखिए बता दें कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच सरगुजा संभाग प्रभारी कविता यादव ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 46 वर्ष से कार्य किया जा रहा है आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा और कार्यकर्ताओं को इन 46 वर्षों में जीने लायक वेतन प्राप्त नहीं हो रहा। कार्यकर्ता को केंद्र से 4,500 रुपये और राज्य से 2,000 रुपये, कुल 6,500 रुपये मानदेय मिल रहा है। सहायिकाओं को तो इससे भी जो है न्यूनतम राशि दी जा रही है। सहायिकाओं को केंद्र सरकार ने 2,500 और राज्य में जो है 1,000, कुल 3,500 मानदेय ही मिल रहा, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। संयुक्त मंच की प्रांत अध्यक्ष सरता पाठक ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चुनावी घोषणा पत्र में जो कहा गया था उसको जो है लागू किए जाने की बात कही है। आपको बता दें यूनियन द्वारा अवगत कराया गया कि नर्सी शिक्षक का दर्जा चुनाव के समय किया गया था, लेकिन अभी तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। कलेक्टर दर पर मानदेय स्वीकृत करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 3 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया है। इसके बावजूद भी जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी अभी भी नाराज हैं। सुमन यादव और ममता यादव ने संयुक्त रूप से मंच द्वारा संभाग स्तर पर आंदोलन कर राज्य सरकार को चेताया है। तीसरे चरण का आंदोलन दुर्ग में होगा। छत्तीसगढ़ में जो है सरकार को चौतरफा घेरने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार को दीपावली तक जो है समय दिया गया है, इसके बाद अगर मांगें पूरी नहीं होती तो निश्चितकालीन हड़ताल के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारी बात दूंगी। तो इसको लेकर आपको बता दें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर सरकार को पहले भी चेताया गया था, सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, इसके बाद फिर से धरना प्रदर्शन हुआ। अब एक बार फिर से चेताया गया कि दीपावली तक अगर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। कमेंट में आप बताइए इस धरना प्रदर्शन को आप समर्थन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो कमेंट में यह जरूर लिखिए। और अगर छत्तीसगढ़ से आप हैं तो हमें आपको होता है धरना प्रदर्शन की आप कोई भी खबर है वीडियो है तो आपने व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर जो कमेंट बॉक्स में पिन करके नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जो पहली बार आए हैं, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। नमस्कार।